Hi friends, my name is Harish Kasar. Please subscribe to my channel World of Pharmacy and Motivation and press the bell icon to get all notifications of my new videos. Welcome to our channel World of Pharmacy and Motivation. So, आज मैं आपको अगर फार्मेसी कर रहे हो या फार्मेसी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। पीसीआई फार्मेसी के लिए बहुत बड़े चेंजेस किए आए, उसके लिए जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप डी फार्मेसी पास करने के बाद लाइसेंस मिल जाता है, इसके बाद ये तो सबको सब जानते हैं। अरे लाइसेंस अब डी फार्मेसी के बाद सिर्फ डी फार्मेसी सर्टिफिकेट पर नहीं मिलेगा, आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए एक नई एग्जाम आई है, एग्जिट एग्जाम, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एग्जिट एग्जाम क्या है उसके बारे में आपको अब डिटेल में बताता हूँ। अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो आपको एग्जाम देनी होगी डी फार्मेसी पास होने के बाद। अगर आप डी फार्मेसी एग्जाम पास हो जाते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगी। तो एग्जाम क्या है देखते हैं। एग्जाम डी फार्मेसी के बाद आपको दे सकते हैं, जैसे कि बाकी सीईटी जेई डबल जैसे एंट्रेंस एग्जाम है उनके जैसे। साल में एग्जाम दो बार पीसीआई कंडक्ट करेंगी। जब तक आप पास नहीं हो जाते इस एग्जाम को तब तक आप दे सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं रखा। इससे पहले जो पास हो चुके हैं उनके लिए भी उनको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, पीसीआई ने क्लियर कर दिया है, तो उनको टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आपका कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एग्जाम क्यों ले रहा है पीसीआई, तो क्यों ले रही है, क्यों पहले हम पास हो जाते हैं। तो पीसीआई तो हमारे स्टूडेंट का नॉलेज चेक कर रहे हैं। डी फार्मेसी के बाद जो नॉलेज है टीचिंग की क्वालिटी चेक करने के लिए एग्जाम रखी है, क्योंकि डी फार्मेसी स्टूडेंट एक हेल्थ केयर के सेक्टर में आते हैं, उनको उनके उन पर बाकी के हेल्थ डिपेंड होती है। इसलिए इस कोर्स को एक अच्छी डिमांड और अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट की जरूरत है जो पास आउट हो, इसलिए एग्जाम रखिए। आपको लग रहा हो, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग खुश भी होंगे, तो मैं तो इस एग्जाम से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इससे फिर से हमारे कोर्स की डिमांड क्वालिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो डुप्लीकेट फार्मासिस्ट है उनके वजह से जो क्वालिटी फार्मासिस्ट को भी उतना अच्छा मार्केट वैल्यू नहीं थी। पर इसके बाद अब सिर्फ क्वालिटी फार्मासिस्ट भी कोई भी रजिस्टर फार्मासिस्ट कहा जाएगा, तो खबर सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर पहुंचा देना, ये एक खबर सबको होना चाहिए। आपने तो लाइक वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो किया हुआ नहीं किया तो आप कर देना। फार्मेसी के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और हेल्थ के बारे में यहाँ पर डालता रहता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो।